थाना क्षेत्र के ककरहट्टी चौकी अंतर्गत नाबालिग के संगे गांव के एक युवक द्वारा नाबालिग लड़की का हवस को शिकार बना लो। मामला की जानकारी जैसे ही परिजनन का लगी तो परिजन ने पन्ना कोतवाली में पहुंच के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराओ है। जानकारी के अनुसार पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ककरहट्टी कस्बा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की अपने घर से रविवार की रात्रि से गायब थी। परिजन ने रात भर लड़की की तलाश करी लेकिन लड़की को कछु पत्तो नहीं चलो। सवेरे होते ही परिजन ने लड़की का लड़का के संगे ककरहट्टी में चौकी के समीप पकड़ लो। हालांकि लड़का लड़की का छोड़ उतर से भाग गयो। उतर ही जब परिजन ने लड़की से पूछताछ करी तो उन्हें अपनी आप बीती परिजनन का बताई, जिसके बाद परिजन ने पन्ना कोतवाली पहुंच के आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत करी है। पुलिस ने मामला के संबंध में बयानन के आधार पर आरोपी के खिलाफ एसटीएससी एक्ट, पोस्को एक्ट और दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लो है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी भाई भी है। जो दाऊ की लड़की हमारे बड़े पापा की लड़की है तो उसको यानी कि रात में यानी कि निकल भाग गई थी उसके साथ में, तो उसको पकड़ा बाजार में, पकड़ा चौकी के सामने, चौकी के सामने पकड़ा तो जो उसके साथ थे तो गलत भी किया और बाद में चौकी वालों ने तो कुछ नहीं किया, ना चौकी ना जा करके, और जो पत्र वे थे यहाँ के विकास वो वे अपने घर ले गए, वो घर ले जाने विकास कौन है, विकास वहीं के एडवोकेट हैं, तो उनके घर ले गए हैं, उनके घर ले जा करके जिसने गलत किया है वो उनके घर के भी दबाव इनको डाल रहे थे और उनके गाँव के भी जो हैं बड़े बड़े तो वो भी इनको दबाव डाल रहे थे, पैसों का लालच दे करके बोल रहे थे कि आप इतना पैसा ले लो, देखो कि जीत तो गई है साथ, अब जो हुआ है तो हुआ है, आप यानी कि अपना फीस वापस कर लो, समाधान करो। तो हमने देखा वहाँ पे कि कई लोग हमारे गांव के गए तो वहाँ देखा कि दरवाज़ा बंद किए हैं, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जब मैं 9 बजे उठा तो मेरे से बताया इन चाचा लोगों ने, तो मैंने कहा ऐसी सी बात है, तो मैं गया तो मैंने कुल आदमियों को इकट्ठा किया, तो वहाँ मैं गया तो मैंने देखा कि पुलिस वाले भी वहाँ कोई नहीं था, और हम बाउंड्री में चढ़ के देख रहे थे तो वहाँ के बड़े बड़े आदमी ककरहट्टी के वो लोग वहाँ पे अंदर थे, पुलिस चौकी के अंदर थे, नहीं घर के अंदर, विकास के घर के अंदर, और दबाव पे दबाव डाल रहे थे, जिस प्रकार का भी डालते रहे हों, हमको तो कुछ पता नहीं है अंदर का मामला, दरवाज़ा हमने खटखटाया तो हमको भी अंदर नहीं जाने दिया, और फिर कह रहे थे पुलिस वाले आएंगे तो पुलिस वाले खुलवाएंगे, तो उनको जब वे भी आए तो उन्होंने भी हमें अंदर नहीं जाने दिया, वो बोल रहे थे कि अभी किसी को नहीं जाने देंगे अंदर, ना किसी ने हमको अंदर। लड़की के ऊपर भी दबाव डाला जा रहा था, सभी के ऊपर दबाव डाला, लड़की को भी दबाव डाला है। लड़की की उम्र क्या है, मामला हुआ क्या है? लड़की की उम्र होगी 16 साल, और वो उसको दबाव पे दबाव डाल रहे हैं, तो हम चौकी कह रहे थे, हम चौंकी ले जा रहे हैं, हमसे बोल रहे थे पुलिस वाले कि हम चौंकी ले जा रहे हैं, तो चौंकी न ले जा करके हमको कहा आप चौंकी जाओ, तो चौकी ना आ करके जे सीधे यहाँ पर ले आए। किस गांव का मामला है, कब की घटना है? जे कल रात की घटना है, ककरहट्टी गांव है, लक्ष्मी नारायण मोहल्ला है, वार्ड क्रमांक 2 है। हुआ किसने, किस लड़के ने अंजाम दिया, आरोपी कौन है? नाम उसका सर मेरे को याद नहीं, शरीफ मुसलमान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार। कौन है आप, बच्चे आया है, क्या है पूरा मामला, किन धाराओं पे इसको रजिस्टर्ड किया गया है? बीती रात ककरहट्टी कस्बे में एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है, जिसमें बालिका और उनके परिवार की रिपोर्ट पर महिला थाने में दुष्कर्म के धाराओं के अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ है। सर किन किन धाराओं में रजिस्टर्ड हुए मामला? वो दुष्कर्म की धाराएं और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज है। हाँ, पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर, अपराधी को पकड़ने के लिए कोई टीम? मामला दर्ज करके टीम गठित करके उसको बहुत शीघ्र ही पकड़। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता संदीप विश्वकर्मा की है। तो ऐसी खास खबर जानबी के लाने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पर शिवांगी तिवारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।